जा रही है टुवर्ड्स मरी, और मैप भी यही बता रहा है कि मैं 2.5 घंटे का सफ़र है बाकी, आने जाने की नहीं एक घोड़े। ये आगे बोर्ड लगा हुआ है, इसमें ये मेंशन हुआ हुआ है कि नीलम वैली जो है ना 114 किलोमीटर है, लिपा है 106 किलोमीटर, झेलम वैली 50 किलोमीटर है, सिरीकॉट मेडियोस है 33 किलोमीटर है। तो इसमें से मैं जो जानता हूँ वो झेलम वैली को, नीलम वैली को जानता हूँ, बाकी ये नाम नए हैं मेरे लिए। तो ये टूरिस्ट को फैसिलिटेट करने के लिए एक बोर्ड लगा हुआ है, टूरिस्ट एंड आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट है आज़ाद जम्मू कश्मीर की तरफ से। तो हम जा रहे हैं सीधा यहाँ से, देखें पुलिस चेक पोस्ट भी आई थी, उन्होंने हमसे क्यूरीज की थी कि आप लोग कहाँ जा रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं। तो हमने जो उन्होंने क्यूरीज की वो हमने जवाब दे दिया। यहाँ पर सिग्नल बंद हो गया से, जो हम चल के यहाँ पे आए हैं पूरा घूम फिर के। ये पुलिस की पहली इंक्वायरी थी हमसे, दो घंटे 24 मिनट है और ये रास्ता जा रहा है, देखें क्योंकि आबादी है इसलिए लोग भी बीच में हैं। देखिए अब राइट पे हमारे चल रही है ये नहर, रखिए राइट पे आ गई है, ये मुस्तकिल चल रही है, पीछे पहाड़ है, ये सारे व्यू है गाड़ी जाते हुए, और ये रोड है, मैप भी यही शो कर रहा है सेम। आप कितनी भी एहतियात से गाड़ी चलाएं, सामने वाला बार दफ़ा बहुत तेज़ भगाता हुआ ला रहा होता है, क्योंकि पता नहीं होता है किस किस्म का ड्राइवर है, क्या क्या नहीं मान लाते हैं, या तो खुला खाता है। सब देखिए ऊंचे ऊंचे नज़र आ रहे हैं आपको, पहाड़ पे ग्रीन दरख्त हैं लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे, बीच में रोड है, राइट पे भी वो हैं आपके दरख्त मामला, लेकिन ये है कि वहाँ पे बीच में नदी भी जा रही है, ये पतली सी सड़क है। या फिर ये पहाड़ी सिलसिला शुरू हो गया है, एक तरफ ये ऊपर है ऊंचा, और ये बीच में वैसे ही रास्ता मिल रहा है जिगजैग जैसे हमें वहाँ मिला था कागान की तरफ जाते हुए और केवाई में मिला था। तो ये उसी तरीके से देखें कि जिगजैग होता हुआ जा रहा है, एक तरफ खाई है और दूसरी तरफ जो है ना वो, और ये आने जाने का एक ही रोड है सेम, पतला सा है, ख़तरनाक इसमें क्योंकि मिसहैप हो सकता है, ऊपर से लैंड स्लाइडिंग भी हो सकती है। ये हुई थी यहाँ पे माजी में, देखें लैंड स्लाइडिंग हुई थी, ये सफाई की हुई है किसी ने, और ये आने जाने की एक ही है सड़क, ये ऊपर से लैंड स्लाइडिंग हुई थी, ये रोड है, और एक तरफ हमारे यहाँ सारी खाई है बिल्कुल, ये मरी जाते हुए हमारा है मामला। ये देखें यही रोड चल रहा है हमारा, मैप हमारा ज़रा वो हो गया है बंद, मोबाइल में कुछ हुआ था तो वो सिग्नल भी यहाँ नहीं आ रहे हैं, तो आगे देखते हैं जहाँ सिग्नल आएंगे वहाँ से फिर एक्टिवेट करेंगे मैप का मामला। बहरहाल ये कि रोड पे सीधा हम अभी जा रहे हैं, ये एक तरफ खाई है इस रोड के और पहाड़ हैं, ये देखिए खाई, और दूसरी तरफ यहाँ से जा रहे हैं हम लोग, ये भी जिगजैग रोड है यहाँ पे इस तरीके से। तो दिन में तो चलें फिर भी थोड़ा बंदा चला ले कर ले, रात में तो प्रॉब्लम हो सकती है,
मरी के लिए हम लोग जा रहे हैं। सिग्नल वगैरह हमारे चलने चाहिए थे, वो इतना तो आउट ऑफ ये इलाका नहीं है, लेकिन यहाँ सिग्नल जो है ना वो काम नहीं कर रहे हैं। 11 बजने वाले हैं तकरीबन, ये देखें घड़ी में। ये मरी जाते हुए जो है ना हमारे रास्ता ऊपर भी जो है ना सब्जा ही सब्जा है, दरख्त पहाड़ और जिग जैग सी रोटे हैं। ये देखें नीचे से रोड जा रही है आ रही है, पहाड़ी सिलसिले जैसे मैं वहाँ पे नज़र आए थे किवाई में और शोगरान में तकरीबन उसी तरीके से, बस बर्फ़ वगैरह नहीं जमी हुई यहाँ पे, सरसब्ज हैं बिल्कुल, सब ग्रीन ग्रीन है ये सब। मरी की तरफ जाते हुए ये एक तरफ खाई है वही मुस्तकिल, ये पहाड़ों को काट के रास्ता बना हुआ है और जिग जैग सा है बिल्कुल, ये इसमें पहाड़ काटा है ना देखिए, काट के बनाया हुआ है रास्ता। कोई मार्किंग वगैरह नहीं हुई भी कि मरी कितना किलोमीटर दूर रह गया या मुजफ्फरगढ़ में कितना, इस किस्म की मार्किंग होनी चाहिए वो नहीं है। और इस रोड पे आपको जो है ना पेट्रोल पंप वगैरह भी नहीं मिलेगा। ये मुजफ्फराबाद आया हुआ है मेरा, वहाँ जब जा रहे हैं मरी की तरफ, ग्रीन है पूरा सारा सब, वही जिग जैक रोड है, एक ही रोड है आने जाने के लिए, यही मुस्तकिल चल रही है हमारी। ऐप हमारा बंद हुआ है क्योंकि यहाँ सिग्नल आ नहीं रहे हैं, तो बस एक ही रोड है, इस पर हम चलते जा रहे हैं आगे। आज़ाद हुकूमत रियासत जम्मू कश्मीर का बोर्ड भी लगा हुआ है, पेट्रिन व्यू चौक आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर। और ये आगे चलें देखिए कैसे ख़तरनाक सा है, आप देखें बिल्कुल ही ख़तरनाक, ये भूतिया टाइप रोड है, इसमें एक तरफ खाई है पूरी गहरी देखें, और ये आने जाने वाले एक ही रास्ता है, एक तरफ तो कीचड़ बहुत हुई हुई है कि उसमें गाड़ी फिसल सकती है, कुछ भी हो सकता है, बदतरीन गंदा हुआ हुआ है कि आदमी सोच भी नहीं सकता कि मरी जाने के लिए इतना गंदा रोड मिलेगा। ये एक तरफ ये ऊंची ऊंची देखें पहाड़ है वहाँ से, और यहाँ से एक तरफ खाई है, और बीच में ये गंदा रोड है ये बिल्कुल ही। खतरनाक है, नहायत ख़तरनाक, ऊपर स्लाइडिंग का भी बिल्कुल ख़तरा है कि किसी भी वक्त। बहुत ही ख़तरनाक है, डेंजरस पूरा सारा, फुल ऑफ वो देखें खाई है पूरी ख़तरनाक किस्म की।
आगे से कुछ नज़र आ रहा है कि शायद थोड़ा पक्का हो, ये तो बिल्कुल ही ख़राब ऐसी हालत है कि ज़रा सा भी गिरा हो या वैसे भी इसमें भी ख़तरा है कि कभी भी प्रेशर हो के उधर खाई की तरफ जा सकता है। और नीचे वो देखें नज़र आ रहा है वो नहर जा रही है वो सीधी जो है, ये आगे से थोड़ा जो है ना आप क्या कहते हैं पक्का होना शुरू हुआ है ये देखें। तो ये इतना गंदा सा पैच आया था और देखिए खाई है बहुत बुरी। मुझे लग रहा है शायद आगे भी पैच आया इस तरह का कच्चा। जा रहा है नीचे पानी जा रहा है सीधा, ये इतनी ऊंचाई है गहरी खाई है जिसमें से ये रोड जा रहा है ये हमारा बारी के लिए। सिग्नल आए हमारा फिर मैप भी थोड़ा एक्टिवेट हुआ है यहाँ पे, बहुत ही ख़तरनाक रास्ता है ये बिल्कुल भाई। और आगे भी नज़र आ रहा है वो मुझे कि कच्चा पैच है शायद आने जाने के लिए, यही एक सिंगल रोड है और ऊपर पहाड़ पे वहाँ पे जो है ना बर्फ़ जमी हुई नज़र आ रही है वाइट। खबरदार आगे लैंड स्लाइडिंग एरिया है, एहतियात से चलेगा, कोड भी लगाया हुआ है। और वाकई भाई वह बहुत ही डेंजरस फुल ऑफ एडवेंचर रोड है, है ना कितनी गहरी खाई है आपके सीधे हाथ पे। और ये घूमता हुआ यहाँ जिगजैग जा रहा है, आगे देखें ट्रैफिक आ भी नहीं जा रही है, देखें कच्चा बिल्कुल शुरू हो गया है। और ये ऊपर से सारा जो है ना लैंड स्लाइडिंग का बहुत बड़ा ख़तरा है, देखें इसमें से इतना डेंजरस होता है कि निकालेंगे किस तरीके से गाड़ी, हम दो गाड़ियां आ जाएं तो इतना मुश्किल होता है क्योंकि उधर खाई है पूरी। इट्स वेरी डेंजरस, देखें इधर खाई है और उधर ट्रक भी नज़र आ रहा है जिसका तो दाखला बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए था इस रोड पे। ये पता नहीं कहाँ घूमता घुमाता आ रहा है, देखो ट्रकों के आने की जगह थोड़ी है। और थोड़ा यहाँ से पक्का होना शुरू हुआ है और ये देखें ये भी आ रहा है, ये अपने लिए भी परेशानी बनेगा और जो दूसरे लोग यहाँ से जा रहे होंगे उनके लिए भी परेशानी होगी। हमें तो नीचे जाना है। देखें पहाड़ है सारे, सब खाई, आगे भी सब पहाड़ ही पहाड़ नजर आ रहे हैं। ये देखें शीशा मोड़ मुजफ्फराबाद व्यू, शीशा मोड़ मुजफ्फराबाद व्यू, लैंडस्लाइडिंग हुई है। ये देखें लैंडस्लाइडिंग हुई भी है यहाँ पे रास्ते में, ऊपर तो बाला पहाड़ है यहाँ पे, कुछ यहाँ पे स्नैप हो सकता है। और यहाँ पे सबसे खतरनाक बात है क्या कहते हो अयान, के ऐसा होना चाहिए था कि कच्चा रोड हो? नहीं बिल्कुल नहीं, ऐसा यहाँ पर मिट्टी और वहाँ पर खाई, हाँ बहुत खतरनाक। जरा सी बारिश वारिश हो रही हो गीला हो रहा हो, यहाँ बारिश हुई यहाँ तो रास्ता ही बंद कर दें, यहाँ नहीं जा पाएंगे हम। असल में ये किसी बाहर की कंपनी को नहीं दिया ना, चाइना वाइना बनाता तो बहुत खूबसूरत मामला बनाता, ये लोकल लोगों ने बनाए हैं रोड। ये आपने देखी थी जिस तरीके से हम वहाँ जा रहे थे इवाई की तरफ, तो जो टनल आई थी दो उसमें वो शामिल हुआ था चाइना, उसको एक्सपीरियंस है और उसने बड़ा अच्छा करके मामला निपटाया था इनका, इतनी खूबसूरत बनाई थी टनल। ये लोकल्स ने बनाई हुई है कटवा के ना, काट के की हुई है, इसमें फ़ॉरन कंपनीज नहीं शामिल हुई हैं खासतौर पर चाइना, वो शामिल होता तो बेहतर रोड बड़े ज़रा अच्छे बनाता। ऊपर सफ़ेद देखे नज़र आ रहे हैं, बर्फ़ जमी हुई है पहाड़ों पे, ऊपर यहाँ से व्यू आ रहा है वो देखें, ऊपर सफ़ेद चोटियाँ हैं।
कहाँ मोड़ रहे हो? मैं तो यही बोल रहा हूँ। अभी बात कर रहे हो तुम? एक पे रुक जा भाई, जगह है जाने की। चिंदी में पीछे करके मोड़। पापा को दे दो यहाँ से, अंदर ना पीछे वो कर दिया। रोक दे यहीं। ये देखिए कितना अजीब सा मोड़ है जहाँ से हम जा रहे हैं। उधर खाई है बिल्कुल, और गाड़ी जो है ना वो देखें आपके यहाँ मोड़ के लाए हैं हम लोग। बिल्कुल ही अजीब और गरीब किस्म के मोड़ है, देखें पूरी खाई है नीचे, और ये रास्ता है अजीब सा बिल्कुल ही है। बिल्कुल ही डेवलप मामला नहीं किए हुए इन्होंने जो है ना मरी जाने के लिए। मैप ने भी हमें यही रोड बताया था, और किसी से हमने पूछा लोकल आदमी ने, उसने भी हमें यही बताया कि जी आप इसी रोड को लें, लेकिन बिल्कुल ही पतला से आप देख सकते हैं कितना डेंजरस है, अजीब सा यहाँ ड्राइव करना, और आगे ख़राब भी नज़र आ रहा है, पैच पूरे तरीके से ख़राब हुआ हुआ है। दिखाइए इस तरह पूरी सारी बीच में ख़राब रास्ते से। ये मैप दिखा रहा है, यहाँ से लेफ्ट को लेना, ये भी बड़ा ख़तरनाक सा मोड़ है। बिल्कुल ही घुमा के आराम से बिल्कुल स्पीड कर लें, बिल्कुल आराम से। ये देखें कितना ख़तरनाक मोड़ है कि भाई अल्लाह बचाए। दो गाड़ियाँ तो इसमें आ जा नहीं सकती हैं, एक वक्त में एक ही गाड़ी आपकी आ जा सकती, तो सामने से गाड़ी आ गई तो समझ लें फंस गई। वही लगता सामने से कोई आएगी, क्योंकि वो चढ़ाई बहुत ज़्यादा है। ये है भी फौजियों की, बहुत खतरनाक रास्ता ही है, खड्डे भी हैं। आराम से ले उधर से, ये देखें किस तरीके से रास्ता बिल्कुल अजीब और गरीब किस्म का रास्ता है, जिससे हम ये हम नीचे ले मोड़ के। एक मिनट, तो बड़ा खतरनाक सा है ये भी। ये है भी नहीं, एक मिनट रोके यहाँ पे। अच्छा, ये हमें किसी ने गाइड किया था कि इस रास्ते से जाएं, ये शॉर्ट तो है लेकिन बहुत ही बुरे तरीके से गंदा हुआ हुआ है। तो इन लोगों ने कहा है, जो आगे हमने जिनसे पूछा है, तो वो कह रहे थे अगर आप ऊपर से जाते हो थोड़ा लंबा पड़ता लेकिन रोड सही होता। हमें वहाँ पे ऑप्शन मिला था कि हम इधर आए हैं, उधर मैप तो यही बता रहा था, लेकिन अभी यहाँ हम फंस गए थे आगे के एक ऊपर रास्ता जा रहा है, वो सीधा उतना तो चलना नामुमकिन था। तो हमने ये फॉलो किया और पूछ भी लिया यहाँ लोकल आदमी से। आप देख सकते हैं बिल्कुल ही कच्चा है मामला, और बड़े एहतियात से देखें गाड़ी का मामला करना पड़ रहा है। गूगल मैप ने हमें मरवा दिया शॉर्ट कट के चक्कर में। ये देखें रास्ता जा रहा है हम यहाँ पे आगे, इधर ये पहाड़ी है,
उसके बीच में से बिल्कुल ही खस्ता हालत में जो है ना रास्ता है कि इसमें दो गाड़ियां नहीं गुजर सकती हैं। एक तरफ ये पूरा सारा आपका देखे ना ऊपर कटा हुआ है, सब हो रहा है। अब शायद कुछ बेहतर शुरू हो यहाँ से निकल के। बिल्कुल ही स्लो स्पीड में यहाँ से मैप कह रहा है तकरीबन यहाँ पे दो घंटे हैं मरी जाने के लिए, मैप भी यही बता रहा है। और यहाँ से हम निकलने, आबादी भी अंदर है, बिल्कुल ही कंजस्टेड सा रास्ता है यहाँ से। ये देखें रास्ता यहाँ से ख़त्म हुआ है, ये यहाँ से डालें और उठा के बिल्कुल जो है ना राइट पे लेना है। राइट पे ले रहे पापा कह रहे हैं लेफ्ट पर। राइट पे ये अब हम सीधा आराम से बिल्कुल ये अब सीधा जाएगा। ये अब रोड मिले अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का खैरियत से लेके आ गया वहाँ से फैमिली के साथ ही। एक घंटा 56 मिनट है और ये मैप बता रहा है ये रोड सीधा शुरू हुआ है। ये देखें यहाँ पे ये पुल बहुत खूबसूरत सा आया है। बहुत खूबसूरत हसीन पुल है ये, नीचे भी आवाज़ आ रही है बिल्कुल। वो देखें नदी है जो पीछे से आ रही है, मार्किंग भी आ रही है कुछ लिखी हुई शायद या नहीं। मरी इस्लामाबाद भेजा जाएगा, इस्लामाबाद शहर जो है ना लोअर छत्तर है और अपर छत्तर है वो, तो हमने स्टेट जाना है मरी इस्लामाबाद की तरफ। ये सामने आ गया और आगे भी मार्किंग नज़र आ रही है, वो आगे की मार्किंग भी जो है ना स्टेट जाए। और ये मैप भी यही बता रहा है स्ट्रेट है। आगे मार्किंग आ रही है, इसमें देखिए मार्किंग में लिखा हुआ है यही कि भूरबन और जो मरी है इस्लामाबाद रावलपिंडी वो स्टेट है, बाग है और रवाला कोड जो है ना वो भी स्टेट है। ये देखें तो ये हम मुजफ्फराबाद में पहुंच गए और अभी टाइम हो रहा है 11:50 होने वाले हैं। कवाई से निकले थे हम, मुजफ्फराबाद में पहुंच गए और मैप अभी भी दो घंटे बता रहे हैं हमारे कि मरी में हमें दो घंटे लगेंगे पहुंचने। तो यहाँ से हमारा सफ़र फिर शुरू हो जाता है। हमने पेट्रोल पंप में हमें पेट्रोल डलवाना था, उसके लिए रुके थे।